जंगल में सारे पंछी मिलजुल कर रहते थे। कभी किसी पंछी को किसी चीज की जरूरत पड़ती तो वो अवश्य एक दूसरे की मदद किया करते। सभी पंछी अपना पेट पालने के लिए कोई ना कोई काम करते। जंगल के बीचों बीच पंछियों का पंछी मार्ट बनाया गया था, जिसमें सब मिलजुल कर कोई ना कोई व्यापार करते। मीनू चिड़िया अनाज बेचती, रानू चिड़िया लकड़ी बेचती, टूनी कबूतर पंछियों का खाना बेचता और इधर कालू कौवा अलग अलग प्रकार की मछलियाँ बेचता। उसी जंगल में लाड़ू चिड़िया एक बरगद के पेड़ पर अपने पति के साथ घोंसला बनाकर रहती। उसके पति चील राजा के महल में नौकर थे। उनके सैलरी से आए हुए पैसे घर खर्च में चले जाते। लाड़ो का परिवार गरीब था, इसीलिए वो खुद का कोई व्यापार नहीं कर सकती थी। इस वजह से वो कालू कौवे को काम में मदद किया करती थी। दिन के आखिर में कालू उसे अपने काम का मुआवजा देता। इस तरह से लाड़ो की जिंदगी अच्छी तरह से चल रही थी। एक दिन सुबह, हाय रे, ये क्या हो गया? मेरे अंडे कहाँ गायब हो गए? कितने दिनों बाद मैं माँ बनने जा रही थी, पर किसी को ये देखा ना गया। कौन है जिसने मेरे अंडे चुराए हैं? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अब तक तो जंगल में सब कुशल मंगल चल रहा था, पर न जाने सारे पंछियों को किसी की नजर लग गई और दिन की शुरुआत में ही सब जगह पर रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। हे ऊपर वाले, मेरे भी अंडे किसी ने चोरी कर लिए, अब मैं क्या करूं? हजी, ये अचानक क्या हो रहा है? ये जंगल में सुबह सुबह पंछियों के रोने की आवाजें क्यों आ रही है? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। चलो चलकर देखते हैं। लाड़ो और बल्लू चिड़िया रानू चिड़िया के पास आ जाते हैं। वो देखते हैं तो वो जोर जोर से रो रही थी। अरे रानू, क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें क्या बताऊं लाड़ो, मैंने कल दो अंडे दिए थे, इसीलिए मैं बहुत खुश थी। मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती थी, पर जैसे ही मैंने सुबह उठकर देखा तब मेरे अंडे गायब हो गए थे। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उन सब की बातें मीनू मौसी ऊपर से सुन रही थी। वो उनके पास आ जाती है। बाकी आसपास के पंछी भी रानू चिड़िया के घोंसले के पास आ जाते हैं। अरे रे, बेचारे के साथ तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा है, मैं तो अकेले रहती हूँ, मुझे तो इन सब चीजों की कोई झंझट ही नहीं है। अकेले रहो और मस्त अच्छे से जिंदगी जियो। अरे मीनू मौसी, ये आप क्या कह रही हो? एक तो रानू चिड़िया पर संकट आन पड़ा है और ऊपर से तुम उसे चिढ़ा रही हो। जरा वक्त की समझ रखा करो। हाँ हाँ, चुप हो जाती हूँ। मेरा क्या, मुझे मेरे काम है। तुम जैसे मैंने काम पर नौकर नहीं रखे जो मेरा काम आसान कर दे। मीनू मौसी, आप भी ना। हाँ हाँ, जा रही हूँ। रानू चिड़िया, तुम रो मत, बाजार जाते जाते मैं तुम्हारी फरियाद राजा जी के पास कर दूंगा, वो जरूर इसका हल ढूंढ निकालेंगे। हाँ हाँ कालू, ये अच्छी बात है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। सारे अपने अपने कामों के लिए निकल पड़ते हैं। रात हो जाती है। हर दिन की तरह सारे थक हार कर अपने अपने घोंसले में सोने की तैयारी कर रहे थे। हर रोज तो सब शांति से सो जाते थे, पर आज जंगल में कुछ अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। सारे पंछी सो गए। जैसे ही सुबह हो गई, बुलबुल चिड़िया के रोने की आवाज से सारे पंछियों की नींद टूट गई। अरे, मैं तो लूट गई, मेरे भी अंडे किसी ने चुरा लिए, मैं तो बर्बाद हो गई। सारे पंछी बुलबुल चिड़िया के घोंसले के पास आ गए। कल तो सब रानू चिड़िया को सहानुभूति दे रहे थे, पर आज सबके होश उड़ गए थे। वो ये सब देखकर डर भी गए थे, क्योंकि उनको पता था कि किसी न किसी दिन अगली बारी उनकी भी हो सकती है। अरे बावले, चलो
हम राजा जी के पास चलते हैं। ये बात भी राजा जी के पास पहुंच गई। हमारे जंगल में ऐसा कौन कर सकता है? जो भी उसे ढूंढ लेगा उसे इनाम के तौर पर बड़े पेड़ पर रहने को घोंसला दिया जाएगा। राजा जी ने तो ऐलान कर दिया, पर इधर लाडू चिड़िया तो बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि कुछ ही दिनों में वो भी अंडे देने वाली थी। अरे लाड़ो, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अंडे देने में और 2-3 दिन है, तब तक हम सब मिलकर उस अंडा चोर को ढूंढ लेंगे। चलो अब मैं काम पर चलता हूँ, तुम आज जल्दी घर आना। ठीक है। बल्लू चिड़िया और लाडू चिड़िया दोनों काम पर निकल पड़ते हैं। रोज की तरह लाडू चिड़िया कालो कौवे को मछलियां बेचने में मदद करती है। सब अपने अपने ठेले पर अपनी अपनी चीजें बेच रहे थे, तभी वहां पर एक बड़ा गिद्ध बहुत सारे अंडे लेकर आता है। वो एक ठेले पर अपने सारे अंडे रख देता है। सब उसे देखकर चौंक जाते हैं। अरे लाड़ू, ये नया पंछी कौन है? पहले तो इसे हमारे जंगल में कभी नहीं देखा। हाँ कालू भैया, मैंने भी इसे हमारे जंगल में पहले कभी नहीं देखा। सारे आश्चर्य से उसकी तरफ ही देख रहे थे, तभी गिद्ध बोला, अरे मैं बाटला हूँ, पड़ोस वाले जंगल में रहता हूँ। मैंने सुना है कि इस जंगल में पंछियों ने बहुत बड़ा बाजार शुरू किया है, तो मैंने सोचा कि चलो अपना काम भी यहाँ शुरू किया जाए। किसी को कोई मसला तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, हमें क्या आपत्ति हो सकती है, तुम बिंदास अपना काम शुरू करो। अरे मैं तो कहती हूँ, हर एक पंछी को कोई ना कोई व्यापार तो जरूर करना चाहिए। चलो तुम्हारी बोनी तो मैं ही कर देती हूँ, मुझे एक अच्छा सा अंडा दे दो। अरे मीनू मौसी, ये आप क्या कह रही हैं? उसकी पूछताछ करने के बजाय आप उससे अंडे खरीदने की बात कर रही हो। अरे मूर्ख, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, वो एक बड़ा सा शिकारी पंछी है, उसके एक ही झटके में हम सबकी गर्दनें उड़ा देगा। वो पूछना है तो तुम ही पूछ लो, जाओ जाओ। मीनू बड़े गिद्ध से एक अंडा ले लेती है। रात के समय, अरे उस गिद्ध की वजह से खामखाए अंडा मेरे गले में पड़ गया, अब इसे संभालने में मेरी कमर ही टूट जाएगी। इधर लाड़ो चिड़िया 2 अंडे दे देती है। बल्लू और लाड़ो चिड़िया बहुत खुश थे। तुम चिंता मत करो लाड़ो, हम इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। आधी रात में वही गिद्ध अंडे की खुशबू सूंघकर जंगल में आ जाता है। मुझे यही कहीं से बहुत सारे अंडों की खुशबू आ रही है, लगता है कल मेरा कारोबार बहुत अच्छे से होगा। चलो मैं अपना काम कर लेता हूँ। दूसरे दिन सुबह, लाड़ो के 2 अंडे गायब हो चुके थे, फिर भी लाड़ो चिड़िया और बल्लू चिड़िया शांत खड़े थे। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे लाड़ो, क्या तुम्हारे भी अंडे चोरी हो गए हैं? हाँ कालू भैया। चलो मैं राजा जी के पास शिकायत दर्ज करके आता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है कालू भैया, आप बस राजा जी और उनके सिपाहियों को लेकर पंछियों के बाजार में आइए, हम वहीं पर आपका इंतजार करेंगे। ठीक है। कालू कौवा राजा जी के पास चला जाता है। लाड़ो और बल्लू चिड़िया बाजार की तरफ चल पड़ते हैं। जैसा कि लाड़ो ने सोचा था, बड़ा गिद्ध पहले से ही अपने ठेले पर आकर अंडे बेच रहा था। अंडे ले लो अंडे, अंडे गर्मा गर्म, अंडे गर्मा गर्म, अंडे ताजे ताजे अंडे ले लो, अंडे गर्मा गर्म, अंडे गर्मा गर्म। आओ सब बहने ले लो, भाइयों ले लो और बच्चे भी ले लो, आ जाओ सब। कालू कौवा राजा जी को लेकर बाजार में आ जाता है। क्या हुआ लाड़ो, तुमने इतनी जल्दी में हमें यहाँ पर क्यों बुलाया? राजा जी, काम ही कुछ ऐसा है। अच्छा हुआ आप सिपाहियों को साथ लेकर ही आए हैं। जिस अंडा चोर को हम सब ढूंढ रहे हैं
वो यही गिद्ध है। क्या क्या ये सच है? अरे ये तुम क्या कह रही हो? और तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि मैं ही अंडा चोर हूँ? राजा जी ये रहा सबूत। मैंने हमारे अंडों को कलर लगवाया था ताकि हम हमारे अंडों को पहचान सके, और ये रहे हमारे कलर किए हुए अंडे। अरे ये मैंने कैसे नहीं देखा? अब मैं क्या करूं? चलो यहाँ से भाग लेने में ही अपनी भलाई है। बड़ा गिद्ध भागने की कोशिश करता है परंतु राजा के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। लाडो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे चालाकी की वजह से हम इस चोर को पकड़ पाए, और तुमने इसमें अपने अंडों की जोखिम भी उठाई। जैसे कि मैंने कहा था, बख्शिश के तौर पर मैं तुम्हें बड़े पेड़ पर घोंसला बना कर देने की घोषणा करता हूँ। और रहा सवाल इस गिद्ध का, मैं इसे सजा के तौर पर इस जंगल से बेदखल करता हूँ। कालू सारे अंडों को अपने अपने माता पिता को बांट देता है। अरे ये किसका अंडा है? जिसका है वो उसे आकर ले जाए। दो तीन दिन मीनू मौसी ने बहुत राह देखी परंतु उस अंडे को लेने के लिए कोई नहीं आया। एक दिन उस अंडे में से कौवे का बच्चा बाहर आ गया। मम्मी मम्मी, अरे ये क्या हो गया? अंडे से बच्चा निकला भी तो कौवे का। अब इसे सारी जिंदगी मुझे ऐसे ही संभालना होगा। कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट्स में बताएं और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। शुक्रिया।